पहले एक घने जंगल में एक राक्षस आता है। राक्षस जंगल के जानवरों को देख उनसे बोलता है, क्या मैं आप सभी के साथ रह सकता हूँ? तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो? मेरे पास कोई घर नहीं है, कृपया मुझे यहाँ रहने दें। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें देखकर सारे जानवर डर रहे हैं। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, कृपया मुझे रहने दें। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। महाराज, मुझे लगता है हमें इस राक्षस को यहाँ रहने देना चाहिए। हाँ, हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम कभी भी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बब्बू है और मुझे आपकी कही हर बात मंजूर है। बब्बू जानवरों के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। धीरे धीरे जानवर बब्बू से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ जानवर बब्बू को नापसंद करते हुए उसकी हर बात में खामी निकालते रहते थे। एक दिन बब्बू चिड़िया की मदद करने के लिए उसके बच्चों को पेड़ की निचली डाली से उठाकर ऊंचाई पर रख रहा होता है। मैंने कहा था इसे यहाँ ना रहने दे, अब देखो ये चिड़िया बहन के बच्चों को खा रहा है। बंदर की आवाज सुनकर सभी जानवर वहाँ आ जाते हैं। उन सभी के साथ चिड़िया भी वहाँ पहुँचती है। सभी अपनी आँखों से देखो, तुम भी देखो चिड़िया बहन, ये तो मैं आ गया, नहीं तो आज ये राक्षस तुम्हारे बच्चों को खा ही जाता। बंदर भाई, हमें पता है कि तुम हम सबकी चिंता करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। आखिर बंदर ने ऐसा क्या गलत कर दिया? वह तो बस चिड़िया की भलाई सोचकर ही बोल रहा था। वैसे भी हम इस राक्षस पर भरोसा नहीं कर सकते। जानवरों की बात से दुखी होकर बब्बू वहाँ से चला जाता है। बब्बू को जाते देख कबूतर उसके पीछे चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बब्बू जंगल में किसी को भी दिखाई नहीं देता। एक दिन जब सभी जानवर साथ बैठे होते हैं, तो शेर बब्बू के बारे में पूछता है, बहुत दिन बीत गए लेकिन बब्बू कहीं दिखाई नहीं दिया, क्या किसी को पता है कि वह कहाँ है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। जिस दिन बंदर ने बब्बू पर इल्जाम लगाया था, उसी दिन से बब्बू जंगल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि वह जंगल छोड़कर चला गया है। तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ बब्बू का हमशक्ल भाई डब्बू आ जाता है, जिसे सभी जानवर बब्बू समझ लेते हैं और उसके पास जाते हैं। तुम कहाँ चले गए थे? हम सभी को तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं तो इस जंगल में पहली बार आया हूँ, तो ये सभी जानवर मुझे कैसे जानते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि मुझसे पहले यहाँ मेरा भाई बब्बू रहता था, तभी ये सभी जानवर मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर चला गया था, लेकिन तुम सभी के बिना मेरा मन नहीं लगा, तो मैं वापस आ गया। यह तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा भाई बहुत मिलनसार है, इन सभी को सच का पता ना चले, इसलिए मुझे भी उसकी तरह व्यवहार करना चाहिए। डब्बू अपने आप को बब्बू की तरह दिखाने के लिए वहाँ खड़े सभी जानवरों को एक एक करके गले लगाना शुरू कर देता है। इसी बीच वह बंदर को भी गले लगा लेता है।
ये देखकर सभी जानवर एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये बब्बू बंदर को गले क्यों लगा रहा है? मैं तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। चिड़िया कुछ बोलने ही वाली थी तभी पीछे से उसे अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और वे वहाँ से चली जाती है और उसी के साथ साथ बाकी जानवर भी वहाँ से चले जाते हैं। ये सभी मुझे डब्बू समझ रहे हैं, कितने बेवकूफ जानवर हैं। डब्बू जंगल में इधर से उधर घूमने लगता है और सभी जानवरों को परेशान करने लगता है। वे कभी किसी पक्षी को मुट्ठी में कैद कर लेता तो कभी कमजोर जानवरों की पूंछ पकड़कर उन्हें हवा में घुमा देता। ये सब देखकर जंगल में हर कोई उससे डरने लगता है। हम तो पहले ही कहते थे कि यह राक्षस सिर्फ अच्छा बनने का ढोंग कर रहा था। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि यह वही बब्बू है जो हम सभी के साथ इतने प्यार से रहता था। आपको भरोसा करना पड़ेगा, यह वही है। अब उसका कोई जुड़वा तो आएगा नहीं। सभी जानवर राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ कबूतर आता है। कबूतर को देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए थे? बहुत समय बाद दिखाई दिए। बंदर के इल्जाम लगाने के बाद बब्बू उदास होकर जंगल छोड़कर चला गया था और मैं भी उसके साथ चला गया था। उस दिन से आज तक मैं और बब्बू जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पर एक गुफा में रहते हैं। आज मुझे तुम सभी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। और बब्बू वो कहाँ है? वो गुफा में ही है। अगर वह गुफा में है तो जाओ और उसे लेकर आओ। कबूतर फट से उड़ जाता है और बब्बू के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद बब्बू कबूतर के साथ जंगल में वापस आता है। बब्बू और कबूतर को साथ आते देख सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। अगर बब्बू कबूतर के साथ है तो फिर जंगल में जो रह रहा है वह राक्षस कौन है? कौवा राक्षस की बात करता ही है तभी डब्बू वहां आ जाता है। बब्बू डब्बू को वहां देखकर हैरान होते हुए बोलता है, डब्बू ये यहाँ क्या कर रहा है? डब्बू कौन है? डब्बू मेरा जुड़वा भाई है, लेकिन हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे शांति से रहना पसंद है तो वहीं डब्बू को हंगामा और शरारते करना पसंद है। अरे मेरे भाई, हमारी एक छोटी लड़ाई की वजह से तुम तो मुझे छोड़कर ही आ गए। हाँ, इसी वजह से तुम यहाँ आकर मेरे नाम से इन सभी जानवरों को परेशान करने लगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था, मेरा कोई भी शरारत करने का मन नहीं करता था, लेकिन यहाँ आते ही मुझे पता चला कि तुम भी यहाँ हो, तो मुझे लगा अगर मैं शरारत करूँगा तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बस तुम मुझे छोड़कर दोबारा कहीं मत जाना। डब्बू की बात सुनकर बब्बू का दिल पिघल जाता है और वह अपने भाई को माफ कर देता है और वे दोनों राक्षस भाई जंगल में सभी जानवरों के साथ रहने लगते हैं।